फर्स्ट डे तो आते आते रात हो गई। तो ये है प्रेम मंदिर वृंदावन का। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। और वृंदावन में हमारा ये सेकंड डे है। फर्स्ट डे तो आते आते रात हो गई और होटल खोजते खोजते एकदम रात हो गई थी। तो ये है सेकंड डे और मॉर्निंग में हम रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करने। अभी हम खाने वाले हैं छोले और कुलचे। आगे शिवांश और उसके पापा का लोग, आप दोनों का टी शर्ट मैच कर रहा है। तब से हम लोग वृंदावन आए हैं तब से घोर ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है हमें, है ना। बहुत ज्यादा भीड़ है और हम लोग आए हैं सैटरडे संडे फ्राइडे, ऐसे ऐसे दिनों पे आए हैं। तो आधे घंटे में हम लोग 8-9 किलोमीटर पार कर रहे हैं, इतना ज्यादा ट्रैफिक है। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल। कल आए थे वृंदावन के लिए, मथुरा रुकना पड़ा, बट अभी तक कहीं भी हम लोग घूम नहीं पाए हैं क्योंकि यहाँ इतनी हेवी वाली ट्रैफिक है ना। और पूरा लगता है ना कि अगल बगल की है, हरियाणा है, पंजाब है, सभी जगह से लोग घूमने के लिए, मतलब छुट्टी मिला था 3 दिनों का लोगों को, तो सभी लोग आ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा भीड़ था। तो हम लोग निकले थे अभी सुबह, रूम से निकलते 10 बज गया। तो फिलहाल अभी हम लोग पहले अपने रूम पे जा रहे हैं जो हमने बुक किया। तो मैंने येलो वाला ड्रेस भी डाल लिया था, येलो टी शर्ट, कि जाऊंगा मंदिर घूमने के लिए, बट देखते हैं कि भगवान जी दर्शन कब देते हैं। हे गाइस, तो हम लोग को गाड़ी से अब टोटो में आना पड़ा। वजह ये है ना कि जो मंदिर के पास हमने होटल लिया था ना, वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है अभी। तो पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दिया है और 2 से 2.5 किलोमीटर हमें जाने हैं। और इतनी धूप थी ना कि हमें टोपी लगाना पड़ा। जो भी घूमने का प्लान है, जो भी मंदिर वगैरह है, वो 4 बजे के बाद ही। हे गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं वृंदावन और ये देख सकते हो काफ़ी मेहनत करने के बाद। और रूम का हाल मतलब क्या बताऊँ आपको, सभी बातें आपको होटल में करके रखते हैं। और फिलहाल ये देख सकते हैं मम्मा पूजा शिवांश और ये मैं बन चुका हूँ पूरा कपड़ा खुली। तो अभी जा रहे हैं होटल में, होटल खोलने में मुझे 4 घंटे से टाइम लग गया और गाड़ी हमारी पार्किंग में है, यहाँ लगभग 4-5 किलोमीटर पीछे। तो वैसे अब छोटा सा झलक आपको दिखाते हैं मथुरा वृंदावन का, पूरे मंदिर ही मंदिर है। ये सामने रहा प्रेम मंदिर, अभी तो ये बंद है तो हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। हमारा लगेज धो के लाना पड़ रहा है क्योंकि इधर अलाउ नहीं है कोई भी गाड़ियाँ आए। इधर उधर भटक के रूम खोजने में लगे हुए हैं, अभी तक हम लोग कहीं घूमे नहीं हैं, ना कोई मंदिर। और यहाँ देख सकते हैं हम दोनों के पतियों को, बच्चे भी पकड़े हुए हैं, लगेज भी उठाए हुए ना, हम तो लगेज भी उठाए हैं भाई। हाँ, हम भी उठाए हुए थे अपना बेटा, लेकिन साड़ी में ऐसा फंस के उलट जाते ना कि दे दिए। काफ़ी परेशानी हुआ हमें, वजह थी गूगल की। गूगल हमें बहुत ही गंदा वाला लोकेशन बता रहा था। होटल लेफ्ट में था, वो राइट में 800 मीटर आगे देखो। हम अपना न्यू वाला रूम दिखाते हैं, बाकी ये रूम काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि पैसे ज़्यादा लिए होंगे क्योंकि अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ भाड़ा भी चल रहा है। मंदिर है वो सभी हम आज घूम लेंगे यहाँ जो भी लोकल होगा। तो ये हमारा होटल है, होटल अनाम सा का है हमारा खाना। ये 120 का प्लेट है जिसमें रोटी है, चावल है, एक सब्जी है, दाल है, चटनी है, पापड़ है, रबड़ी सलाद है। फिलहाल ये हम आपको रूम दिखाते हैं जो हमने आज लिया है। तो ये हमारा रूम है, जैसे एंटर करते हो यहाँ पे है बाथरूम और हमने नीचे एक बेड लगा लिया है क्योंकि हम लोग टोटल 4 लोग हो जाते हैं शिवांश को लेके। टीवी लगी हुई है जो चल नहीं रही है, बाकी ये बालकोनी है, कोई यूज का नहीं है। जैसे हम खोल रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा मच्छर है। और ये फ्रिज दिया हुआ है जिसका हम यूज नहीं करने वाले हैं। बाकी यहाँ एक सुविधा क्या है ना कि अगर सामान वाना है तो आप खाना वगैरह ही बना सकते हो, मतलब ये किचन का। हाँ, तो बना सकते हो। बाकी टेलीफोन लगी हुई है और यहाँ पे हमारा वार्डरोब है जो हम यूज नहीं करने वाले। पापू शिवांश पापू फैमिली, तो हम लोग मॉर्निंग से रेडी हुए हुए थे और अभी जाके टाइम हुआ है मंदिर खुलने का, तो हम लोग निकल पड़े हैं मंदिर की तरफ। और शिवांश का पीला कुर्ता ले आई थी तो मैंने शिवांश को ये पहना दिया। और मंदिर पास में ही है, हम लोग ऐसे ही आराम से टहलते हुए जा रहे हैं और अच्छा है कि धूप भी कम है। अरे प्रेम मंदिर, शिवांश को भी चीक पे लगवा लो, इस पे लगा दो। हाँ
मुझे भी आप यहाँ लगा दो, यहाँ अच्छा लग रहा है ये वाला। कृष्ण जी लगा दो, कृष्ण कुछ भी लगा दो, लगा दीजिए कृष्ण ऊपर लगा दो, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितने हो गए? 20 रुपए 60 रुपए। मुझे लगा आप सबका 20 ले रहे हो। नहीं, एक के 20। अरे अरे बताओ, तुम राधे कुछ दिन एक तो आपका वो अच्छा नहीं है, पता है वो राधे जब लिख रहे हो ना वो प्रॉपर नहीं आ रहा। हो जाएगी। अब करने वाले हैं हम लोग प्रेम मंदिर में। भीड़ काफी ज्यादा है, ये देख सकते हैं इतनी ज्यादा भीड़ है। और एक बार कमेंट करना आप लोग, राधे राधे जय श्री कृष्ण। चलो हम लोग एंटर करने वाले हैं प्रेम मंदिर। और अभी तो वृंदावन मथुरा में हमारा एक प्रमुख फर्स्ट डे ही है, तो रात को आए थे, अभी बहुत कुछ घूमना भी बचा हुआ है। चलो साथ में चलते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर और यहाँ से इसकी एंट्री स्टार्ट होती है। और ये देखो, चलो शिवांशु, चलो चले मम्मी, अभी स्टार्टिंग हुआ है, बहुत भीड़ है। Hey guys, राधे राधे। हम लोग एंटर कर चुके हैं प्रेम मंदिर में और आज का दिन ऐसा था ना कि जैसे एंटर किए प्रेम मंदिर में, बाहर में भी काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले और जैसे ही हम अंदर एंटर किए ना तो वहाँ भी हमें बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर मिले। चलिए ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग एंटर करने वाले हैं मंदिर के अंदर में। और चप्पल जूता हम पहन के आ गए थे तो हमने बाहर ही छोड़ दिया है, आई होप कि आने के बाद मिल जाए। घूम हो जाएंगे तो फोन भी नहीं है। वही तो बोल रहे हैं, साथ ही चलो देख देख के। आगे चलते हैं, सुनो वही घर ही रहूंगी। अभी आ जाओ, अभी आ जाओ। ठीक है, तो ये है प्रेम मंदिर वृंदावन का, बहुत ही फेमस टेम्पल है ये। अभी मतलब इसके बारे में कुछ स्टोरी है जो हम बताएंगे आपको। चलो पूजा, कैसा लगा मंदिर? बहुत। कौन? हम लोग एंटर कर चुके थे प्रेम मंदिर के अंदर और भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि हम बता नहीं सकते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग अंदर हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं। और जब आप शाम के टाइम जब यहाँ आओगे ना तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण की भजन होती है और चारों तरफ से एक झांकी निकलती है, रथ यात्रा होता है, तो वो काफ़ी मज़ेदार होता है। अगर आप लोग आना चाहते हो तो शाम का टाइम ज़रूर देखना, उस समय की लाइटिंग जो होती है ना प्रेम मंदिर की वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, लाइट शो भी होती है। दर्शन तो हो गया प्रेम मंदिर का, काम हो चुके हैं। हाथी
हे गाइस, तो प्रेम मंदिर का दर्शन हो गया। वैसे हम सोच रहे हैं कि मॉर्निंग में आएंगे, आज इतनी ज्यादा भीड़ है ना, अब समझ में नहीं आ रहा चप्पल मिलेगा कि नहीं मिलेगा चप्पल। चलो देखते हैं, भगवान भरोसे देखते हैं क्या होता है। हमने चप्पल बाहर ही खोल दिया था ना ऐसे ही। इधर गए, हेलो, हे फैमिली, तो हमने दर्शन कंप्लीट हो गया हमारा और मंदिर से भी बाहर आ चुके हैं। हम लोग किधर निकले हैं? शिवांश ने अपना यहाँ टॉय ले लिया है और प्रेम मंदिर दर्शन के बाद इतनी भीड़ है ना, ये देख सकते हो। अभी मम्मी ने चाय नहीं पिया था, तो इसको लेके जाओ, लेके जाओ, चाय पी लो। मम्मी पी ली, आ रही है जी, आ रही है। ठीक है, तो दर्शन हो गया प्रेम मंदिर का, टाइम हो गया है। कितने बजे निकले थे हम लोग? 6 बजे ना, दर्शन करते करते हमें 8 बज गया। 8 बजे, 8:30 के बाद यहाँ लगभग सारी मंदिर बंद हो जाती है। तो अभी फिर से हम लोग रूम पे जा रहे हैं, फिर खाने के वक्त सोच रहे हैं कि या तो रूम में ही खा लेंगे और या तो फिर से मार्केट में आके कुछ अच्छा खाना देख के खा लिया जाएगा। एक्सकवेटर खरीदवाया है और गुब्बारे भी खरीदवाया है। जब से खरीदवाया तब से शांत है, देख रही हो, खेल रहा है। जेसीबी, हम सब सोचते थे कि जेसीबी है, इसको सुन के पता चला है कि इसका नाम जेसीबी अलग होता है, एक्सकवेटर अलग होता है, अलग अलग डिजाइन होता है। हाँ, तो जिसपे जेसीबी लिखा होता है ना, उसको वैसे ही शेप का होता है। तो चलो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे। ठीक है, तो पहुँच चुके हैं रूम पे और टाइम हो चुका है 8:49। और आते आते आज हमने दर्शन किया सबसे पहले ही हुई है। और एक इशू ये भी है ना कि यहाँ पे सारे दर्शक नेटवर्क इशू है, मतलब फ़ोन का नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा है और ना कॉलिंग लग रहा है ढंग से और ना ही नेटवर्क। हाँ, तो यही सब इशू है। तो गाइस, कैसा लग रहा है हमारा लुक जरूर बताइएगा। ये मैंने कुर्ता लिया है 120 रुपये का और शिवांश के लिए भी लिया है वो 60 रुपये का। और ये चेहरे पर ये लगा है राधा रानी, कृष्ण भगवान सभी का। ये तो कुछ कुछ उखड़ चुका है, ऊपर देख सकते हो। हे फैमिली, तो हमारा गर्मा गर्म खाना आ चुका है और यहाँ पे है रोटी, मटर पनीर, कद्दू दाल, चावल और पापड़ अचार, सलाद, मिर्ची, इतना सारा है।